दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडिया की दो बेहद ही कमाल और गजब सिटीज को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे और ये गजब की सिटीज हैं हैदराबाद और पुणे। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट की कैपिटल सिटी है और इसका इतिहास तो यार काफी ज्यादा पुराना और काफी ज्यादा मजेदार है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि एक समय पर हैदराबाद इंडिया का हिस्सा नहीं था और ये खुद एक देश था, लेकिन आखिरकार अंत में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इंडिया में शामिल कर ही लिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महाराष्ट्र का एक और बहुत ही कमाल और विकसित राज्य है जिसका नाम है पुणे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन दोनों कमाल की सिटीज को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हम कई बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। आज के दिन हैदराबाद की जीडीपी है 75 बिलियन यूएस डॉलर, वहीं पुणे सिटी की जीडीपी है 69 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों जीडीपी में आप सभी को बता दूं बहुत ही ज्यादा किसी भी स्टेट या फिर किसी भी सिटी के लिए एवं किसी देश के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी आंकड़ा होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किसी भी स्टेट या किसी भी शहर ने पिछले 3 से 4 मंथ में या 1 से 2 साल में कितना ज्यादा विकास किया है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी जगह के विकास के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जरा बात करते हैं पॉपुलेशन की। हैदराबाद की पॉपुलेशन आज के दिन 75 लाख के आसपास है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये इंडिया की 6ठी सबसे ज्यादा बड़ी सिटी है। दोस्तों इसकी पॉपुलेशन में 65% हिंदू, 30% मुस्लिम और 2% क्रिश्चियन लोग रहते हैं और बाकी के लोग अदर्स में आते हैं। पुणे की आबादी 60 लाख के आसपास है और आज के दिन ये हमारे इंडिया की 8वीं सबसे ज्यादा आबादी वाली सिटी है। पुणे की आबादी में 80% हिंदू, 11% मुस्लिम, 3% बुद्धिस्ट और 3% ही क्रिश्चियन रहते हैं और इसके अलावा 2% जेंट्स लोग भी पुणे में रहते हैं। दोस्तों किसी भी जगह पर रहने के लिए ना उसके खर्चे के बारे में पता होना यार बेहद ही जरूरी है, तो इसीलिए हम अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग की, यानी रहन सहन का नॉर्मल सा खर्चा कितना हो सकता है। हैदराबाद सिटी में एक रूम का मंथली किराया आपको 8000 तक देना पड़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुणे जो कि महाराष्ट्र की सिटी है वहां पर एक रूम का किराया आपको एक मंथ के हिसाब से 20 से 25 हजार देना पड़ सकता है। मूवी टिकट की बात करें तो हैदराबाद में आपको एक मूवी टिकट अच्छी खासी 300 रुपए में मिल सकती है, लेकिन पुणे में मूवी टिकट की कीमत हो सकती है 450 इंडियन रुपीस। यानी खर्चे के मामले में तो पुणे में थोड़ा आपका ज्यादा खर्चा हो सकता है और ये सिर्फ एक चीज में नहीं बल्कि हर एक चीज में। चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी सिटी को तभी अच्छा माना जा सकता है जब उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर जा चुका हो, और इसमें हैदराबाद के क्या ही कहने। हैदराबाद सिटी में आप एसी बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स और मेट्रो का भी यूज कर सकते हो, लेकिन पुणे में ज्यादातर समय तो आपको नॉन एसी बसेस ही मिलेंगी और आपको काफी बार ऑटो रिक्शा भी लेना पड़ेगा। और अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो की सुविधा अभी तक तो पुणे में नहीं शुरू हुई, हालांकि पिछले काफी समय से पुणे में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक अनुमान के अनुसार 2021 के मिड तक वहां पर मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, यानी 2021 में पुणे में मेट्रो रेल चलनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर माना जाएगा और पुणे के लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम जरा बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। हैदराबाद में आपको आईटी फार्मर रिलेटेड जॉब काफी ज्यादा इजीली मिल जाती है, वहीं पुणे में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुणे सिटी में आपको ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ज्यादा आसानी से जॉब मिलती है। तो चलिए अब दोनों ही सिटीज के एरिया को आपस में कंपेयर करते हैं। दोस्तों अगर हम हैदराबाद की मेगा सिटी की बात करें तो वहां की मेगा सिटी का एरिया है 650 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं हैदराबाद की मेट्रो सिटी का एरिया है 7257 स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुणे सिटी के एरिया के बारे में। पुणे की मेगा सिटी का एरिया है 3,31,000
और 26 स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं पुणे की मेट्रो सिटी का एरिया है 7256.46 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों अब जरा बात हो जाए फूड्स के बारे में। इंडिया की तो कमाल की सिटीज की बात हो और फूड की जरा भी चर्चा ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हैदराबाद में आपको हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी हलीम, बोटी कबाब, कुबानी का मीठा, मिर्ची का सैलन, हैदराबादी मारक, दम फुकट, कीमा समोसा, पाया और मगज मसाले जैसी कमाल चीजें खाने को मिलेंगी, जिन्हें खाकर ना आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पुणे के कमाल के फूड्स के बारे में। पुणे में आपको बाकरवाड़ी, पुनेरी मिसल, कांदा पोहा, उपमा, वड़ा पाव, पिथल बकर, पाव भाजी, दाबेली, बेलपुरी, श्रेवस्परी बिस्किट, मस्तानी, अमटी, खिचड़ी और गवाठी कॉमडी रासा जैसी कमाल की मजेदार चीजें खाने को मिलेंगी। सही में यार गजब का खाना लगता है ये। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सिटी में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। हैदराबाद में आज के दिन 83% लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं, तो वहीं पुणे में आज के दिन 87% लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में, यानी किन जगहों पर जाकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हैदराबाद में आप चार मीनार, होलोकोंडो फोर्ट, रमोजी फिल्म सिटी, चाव महल्ला पैलेस, हुसैन सागर लेक, सलार जंग म्यूजियम, वॉन्डेरला, स्नो वर्ल्ड, जाला विहार और ताज फुलकुमा पैलेस जैसी कमाल की जगहें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पुणे की बहुत ही फेमस और कमाल की पॉपुलर डेस्टिनेशंस के बारे में, जहां पर आप घूमने का असली मजा ले सकते हो। पुणे में आप अगा खां पैलेस, शनिवार वाड़ा, शिगार्ड फोर्ट, मुलसी लेक एंड दम, नेशनल वार म्यूजियम, बंड गार्डन, ओशो आश्रम और इसके अलावा पुणे की नाइट लाइफ का भी पूरा मजा आप ले सकते हो। और पुणे इंडिया की उन सिटीज में गिना जाता है जहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा इंजॉय वाली मानी जाती है। दोस्तों अब आ चुका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी जगह के विकास के लिए और वहाँ के लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको 3 इंडिकेटर्स के आधार पर पूरी तरह से मापा जाता है। दोस्तों ये 3 इंडिकेटर्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा और एजुकेशन लेवल। हैदराबाद की HDI है 0.664 और वहीं पुणे सिटी की HDI का स्कोर है 0.695। अंत में हम दोनों ही सिटीज के बारे में कुछ मजेदार बातें करने वाले हैं। दोस्तों पुणे पूरी दुनिया में अपने रिच कल्चर और अपनी विरासत के चलते जाना जाता है। मुंबई के पास बसे शहर को बिजनेस के लिए और व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण है मुंबई सिटी इसके पास में है। दोस्तों ये शहर पूरे इंडिया में मुख्य IT केंद्रों में से एक माना जाता है और वेब डिजाइनिंग कंपनीज के लिए तो जैसे ये बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कमाल के शहर हैदराबाद की कुछ कमाल बातों की। आजादी के बाद हैदराबाद इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता था, जिसके चलते 1948 तक ये राज्य हैदराबाद के निजाम के शासन में रहा। लेकिन 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे इंडिया में शामिल किया। लेकिन फिर भी दोस्तों हैरानी वाली तो ये बात थी कि 1956 तक भी यहाँ हैदराबाद की खुद की करेंसी थी, जिसे हैदराबादी रुपया कहा जाता था। दोस्तों ये इंडिया के उन चुनिंदा शहरों में आता है जहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट स्कूल्स मौजूद हैं। यहां पर साउथ इंडिया की तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसे 1918 में बनवाया गया था। दोस्तों 72 फीट ऊंची, 95 फीट चौड़ी और 635 सीट्स वाली 12,000 वॉट के शानदार साउंड सिस्टम वाली दुनिया की सबसे बड़ी 3D IMAX स्क्रीन हैदराबाद के प्रसाद IMAX थिएटर की है। मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी थिएटर रहा था जब हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन जैसी 3D ब्लॉकबस्टर ने धूम मचाई थी। अगर आप भी हॉलीवुड मूवीज के फैन हैं ना, तो जिंदगी में एक बार
कोई 3D मूवी यहाँ पर जाकर जरूर देखना, पूरा मजा आएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पुणे बेस्ट है या फिर हैदराबाद? मेरे हिसाब से तो दोनों ही टॉप लेवल की सिटीज हैं। आपका क्या विचार है यार, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।